हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आपको बताएंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर की आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है उसका बढ़ा कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन खोल चुके हैं। नीचे हम अकाउंट का सेक्शन है, इसमें चले जाएंगे। अकाउंट में सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर दिख रहा है, इसे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरी करेंटली जो पे लेटर की क्रेडिट लिमिट है वो 5,000 रुपये है। ओके, और स्मार्ट अपग्रेड है वो 10,000 रुपये। अब यहाँ पे बताना चाहेंगे जो लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए जो है एक्टिवेट करना चाहते हैं उनको हम ये कहना चाहेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ्लिपकार्ट पे लेटर है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब एक्टिवेट करेंगे आपको यहाँ पे 150 रुपये का जो गिफ्ट कार्ड जो है मिलता है वो मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पे लेटर का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पे बिल जो है यहाँ पे मेरा अक्टूबर का है, इसको हमें पे करना है 1 नवंबर को। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है, देख सकते हैं इंक्रीज योर लिमिट फास्टर, यानी जो आपकी लिमिट है उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। पे योर बिल्स ऑन टाइम एटलीस्ट 3 टाइम्स, यानी आपके जो बिल बनते हैं, जैसे आपने कोई फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट किया, फिर उसके बाद 1 तारीख को बिल बनता है, 5 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है, आपको 5 से पहले पे करना है, जैसे 4-3 इस तरह से। ओके, तो ये जो आपको 3 बार बोला गया एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको पे करना है टाइम पे। टाइमली पे करेंगे आप तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ जाएगी। ओके, बाकी हम यहाँ पे और नीचे सेक्शन दिख रहा है लर्न मोर अबाउट फ्लिपकार्ट पे लेटर, इसमें हम आ जाते हैं, इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हम और दे देंगे। जैसे यहाँ पे है ये सेक्शन, हाउ कैन माई अवेलेबल क्रेडिट लिमिट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी इसको आप बढ़ा और घटा कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट बोले हैं, और ये बोला इन्होंने पार्टनर मर्चेंट और रिपे और फ्लिपकार्ट बिल। हाँ, ये जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है वो 3 फैक्टर पे जो है वो बढ़ती है घटती है। व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर फ्लिपकार्ट मर्चेंट और कैंसिल प्रोडक्ट परचेज, और व्हेन यू रिपे योर फ्लिपकार्ट पे बेटर बिल, यानी इन्होंने वही मतलब मेन इम्फेसाइज उसी चीज़ पे किया कि आप पे लेटर का जो बिल होता है वो टाइमली रिपे करेंगे तो आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ जाएगी। बाकी उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी कि कैन आई रिक्वेस्ट फॉर एन इंक्रीज डिक्रीज ऑफ माई क्रेडिट लिमिट, यानी क्रेडिट लिमिट आपकी जो है मैनुअली मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ के आपकी लिमिट बढ़ा दी जाए। तो करेंटली ऐसा इन्होंने अभी इस तरह का जो है कोई नया चीज नहीं लाए जिसमें कि क्रेडिट लिमिट जो है वो आपकी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ओके, लेकिन फ्यूचर में ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि क्रेडिट लिमिट बढ़ती है तो वो तो तभी बढ़ेगी जब आपको टाइमली रिपेमेंट है वो करेंगे इस तरह से। ओके, जब रिपेमेंट आपका टाइमली होगा तो आपकी क्रेडिट लिमिट खुद ही बढ़ा देंगे। डिक्रीज़ वो लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट इसका पड़ता है। मान लीजिए आपकी 40,000 रुपये लिमिट है, लेकिन आप सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये का ही इसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है हर महीने इतनी, तो इससे सिविल स्कोर पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव इस वजह से। ओके, तो बाकी इतना भी समझ में आया यहाँ पे, क्या फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको लिमिट अपनी अगर बढ़ानी है तो टाइमली रिपेमेंट करना है आपको 3 बार। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया 3 बार। ओके, ये छोटी सी बात थी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे वीडियो को एंड करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।